अभी सीन ये है कि हम लोग पिंडी आए हैं और पिंडी में हमारा क्योंकि आज एक इवेंट है, हमारा जलसा है, तो मैं और मेरे साथ नासिर हैं। नासिर आपने पूरा नाम बताएं? नासिर हुसैन रिंगचंद। इनका नाम बड़े मजे का है, पूरा बताएं। नासिर हुसैन रिंगचंद। रिंगचंद ये आपकी कास्ट है या फैमिली नेम है? ये फैमिली नेम भी नहीं है, ये एजाजी नाम है। एजाजी नाम है जी। वाह जी वाह। और आप बेसिकली कहाँ से? व्यूअर्स को बताएं। गिलगित बल्तिस्तान से हूँ जी, और मेरा ताल्लुक कचूरा से। शंगरेला का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और मैं उसी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, असल में हम लोग आए थे, आज थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्म दे रहा है, तो अभी हम फिर आए हैं एक मैंगो शॉप है यहाँ पे, एक कमेटी चौक में। कमेटी चौक में जो है वो अभी मैंगो का पिंडी आए हैं, और पिंडी बॉयज की आवाज़ ना सुनी ये हो नहीं सकता। अभी मैंगो शॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैंगो जूस पियेंगे और उसके बाद दोबारा जाएंगे हम अपने इवेंट में। कितने हैं? 30 है। यार इस बोतल में क्या क्या डालते हो आप? इस बोतल में दूध होता है, एक जो बोतल है हमारी वाली उसमें दो बोतलें आई है ना। एक बोतल आप कितने की देते हैं? और एक दिन में कितनी बोतलें बिकती हैं? काम से खुश है? असली बोतल गाय का, भैंस का, भैंस का, बकरी का दूध। हम यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ पे चाय लेने आए हैं थर्मस में। मैं और मेरे साथ ये जवान आया हुआ है। बर्गर था और एक ये वाला मामू बर्गर है, और अभी हम लोग जो है ना इस वाले पे आ गए हैं। उस पर ये है कि उसका नाम है मामू बर्गर पॉइंट, और इस वाले का नाम है असली मामू बर्गर, मशहूर ज़माना लिखा है। ठीक है जी। तो जमाल भाई पता है कौन से वाला असली है? कौन सा असली है? हैं? मैं नहीं, इन दोनों में से कौन सा असली मामू बर्गर है? मुझे वो वाला। अच्छा, मगर मुझे पता है, ट्राई करते हैं ना। चलो फिर कभी आए तो ट्राई करते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा केचप लगाया अपनी प्लेट में, और अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा। कैसा टेस्ट फील हुआ? इस्लामाबाद के बर्गर में और पिंडी वाले बर्गर में क्या फ़र्क है? प्लेट का फर्क है। अच्छा, और और जायका भी अच्छा है। अच्छा चलो जी, गुड होगा। तो मैं और कैसर और हमारे साथ ये बैठा आगे जमाल, हम जा रहे हैं कमेटी चौक में, एक काम आ गया सभी जरूरी, इसलिए दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा उस टाइम पे ट्रैफिक जैम थी। तो हमारे ये जो भाई हैं ना, हमें यूं किया कि हम इस साइड से नहीं जा रहे हैं। ये मशवरा हमें दिया था इस बंदे ने, ये जो आगे बैठा है नीली टोपी वाला। सर एक्चुअली हमने ऑलमोस्ट आई गेस 2.5 ईयर के बाद ट्रैवल किया, दैट इज वेरी कूल, बट वी जस्ट केम अ रॉन्ग वे। कानून के अमल दरामद वाले जब कानून तोड़ेंगे तो फिर यही हाल होगा पाकिस्तान का। और ये चेक कर लीजिए सामने, आए एक जगह पे हम लोग। असल में हमें थोड़ी सी लगी भूख और बर्गर खाने, लेकिन यहाँ पे सीन ये था कि अभी हमें इन्होंने कहा कि आप अपनी चेयर भी खुद उठाएं, तो जमाल भी अपनी खुद उठा रहा है। मैंने आगे से मैंने कहा है चेयर खाता, बर्गर तो हम खुद बना रहे हैं। जमाल भाई की ग्लासेस बहुत अच्छी हैं, इन्होंने रिसेंटली ली हैं, आई रियली लाइक। जमाल भाई हाउ मच प्राइस? पठान वाले नहीं है प्राइस। आई नो, ब्रांड कौन सा? लाइन ब्रांड है जी, दिखाओ तो सही मेरे व्यूवर्स को। लाइन ब्रांड
अमेजिंग है, बहुत अच्छी क्लास है। और ये जमाल भाई माशाल्लाह से लगती भी बहुत अच्छी है। बंदे आ रहे हैं, ये खुद ही ले गया यहाँ पे ना, ये कमेटी चौक के पास। यहाँ पे ये है साईं जी फ्राई मछली, ये है साईं जी चने वाले, और फिर ये है साईं जी मुर्गा। तो ये वाला जो ब्रांड है ना, ये वैसे कहा जा रहा है कि असली है, रजिस्टर्ड है। और ये दो जो साथ है, ये भी मतलब मैंने कभी टेस्ट किया, लेकिन ये है कि कभी मतलब अभी एक ही जगह पे तीन साईं जी हैं डिफरेंट, चने वाले हैं मुर्गा और मछली। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बंदे ने कहा कि बाहर बैठना है, मैं रात को बाहर बैठा था, मैंने रात को बाहर से बैठ के बर्गर खाया था। उसको कहा कि बंदे इतना बड़ा हॉट बनाया था, इसलिए हमें बाहर गर्मी में बिठाने लगा था। एक अच्छा आप अंदर आ जाए, पंखे में क्यों नहीं बैठते? तो ये इस टाइम इतना ज़्यादा शरीफ बन के बैठा था कि जैसे ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। कैसे रहते देखते हो? क्लास का नाम पार्टनर लाओ कबाब। गर्मी का रोटी गर्मी का ठंडी पाठ है, और एक सामान है वो भी लिया अभी देख पा रहे हमारे बर्गर का। बर्गर बना बर्गर खाने के लिए सब काम। सफर है सफर है सफर है। प्रिया जी हमारे आ गए हैं बर्गर देखने में। नहीं बड़ा फैंसी सा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इसे जो पूरे ऊपर ना कवर इसको अंडे के उससे किया। आपको बताऊँ आप लोगों के लिए एक चीज़ मैंने स्पेशल तैयार की है बर्गर के साथ, पता क्या है? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे पे। और अंकल को ना हमने ये नहीं कहा कि हमने कहाँ जाना है, हमने सिर्फ ये कहा कि अंकल हमने आपको क्या कहा है, 50 रुपये पूरे हो जाए। जहाँ तक 50 रुपये पूरे हो जाए वहाँ पर हमें उतार दीजिएगा। तो अंकल हमें अभी लेके जा रहे हैं, हम देखते हैं अंकल हमें कहाँ उतारते हैं। पीछे वालों को देखें जरा, स्वैग मेरे बॉयज। अच्छा पिंडी आप एंटर हो ना, तो पिंडी की रौनकें बिल्कुल इस्लामाबाद से छुटा है। पिंडी बिल्कुल जो है ना, वो एक जैसे लाहौर वालों कहते हैं ना कि जिंदा दिलों वालों का शहर है, पिंडी वालों को कहते हैं पिंडी वाल। पिंडी में तो बस रौनकी रौनक, खाने की रेड़ियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जो मैं पहली दफ़ा रक्षे की फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इसमें जो जिस जगह पे मतलब वो डलता है ना फ्यूल के, वो भी आगे होता है। तो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ से। जब ऐसे यहाँ से होता था पहले लियाकत बाग का रास्ता इस तरफ हो ना, अभी हमें मुझे लगता है आगे से घूम के फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ अच्छा, मुझे ना वैसे इस तरह के जो होते हैं ना एनिमेशन, ये बड़े मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। और अच्छा मरी रोड पे आप जब चढ़ो ना, आपको काफ़ी ज़्यादा वो नज़र आएंगे, ये जो होते हैं ना ढोल वाले, जो हमारी देखें हमारी शादी ब्याह होती है ना, तो ये लोग आते हैं हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। और यहाँ पे ये लोग ना बैठे होते हैं, अपना काम ढूंढ रहे होते हैं, लोग आते हैं इनके पास यहीं पे से ना, उनसे बुकिंग कर वगैरह करवाते हैं शादियों की, मेहंदी की, फंक्शन की, बर्थडे अब उसकी। ये चक्कर है यार, ये चेक बड़े मजे की तस्वीरें लगाई है यहाँ पे इन्होंने, ये पिंडी में PHA वालों ने, मुझे भी नहीं पता मतलब PHA और RDA डबल पिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है।